दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस घंटी वाले आइकन को भी जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का जो है मटेरियल डिजाइन वाला ऐप बनाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत ऐप, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक ऐसा ऐप बनाया है मेरे YouTube चैनल के लिए, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का ऐप है। तो ये देखिए, ओपन हो रहा है स्प्लैश स्क्रीन के साथ और यहाँ पर मेरे YouTube का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऐड आ रहे हैं, ये ऐड भी मेरे ही ऐड हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरा YouTube का चैनल ओपन हो गया है इस ऐप के अंदर। अगर आप मेनू बार में जाते हैं तो आपको यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब चीज़ की मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो ये सीधे ले जाएगा मेरे फेसबुक पेज पर, और देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ले जाएगा मेरे ट्विटर अकाउंट में। अगर इसे कोई भी इंस्टॉल करता है तो वो मेरे ट्विटर में यहाँ से जा सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंटरेस्ट, उसके बाद लिंक्डइन, फ्लिकर और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, आप जो भी यहाँ पर डिजाइन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और आप सिंपली इस तरीके से जो है, और ऐसा ऐप मात्र 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का ऐप बनाने के लिए आपको 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है APK एडिटर प्रो और दूसरा जो मैंने अपना ऐप बनाया है वो। तो दोनों के डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद चलिए सबसे पहले हम जो है ओपन करेंगे APK एडिटर प्रो को। इसके बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप पर जाना है। यहाँ पर हमको क्लिक करने पर हमारा दूसरा वाला ऐप जो है सिलेक्ट करना है, नायक टेक्नोलॉजी। तो चलिए ढूंढ लेते हैं, ये मिल गया नायक टेक्नोलॉजी, तो हमको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फुल एडिट पे क्लिक करना है। तो चलिए फुल एडिट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप एडिट करके अपना ऐप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐप नेम है, तो यहाँ पर नायक टेक्नोलॉजी है, तो आप यहाँ पर अपना ऐप का नाम रख लीजिए। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर बीबी के वाइंस रखने वाला हूँ। बीबी के वाइंस का जो है यूट्यूब का चैनल का ऐप बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर बीबी की वाइंस ये लिख दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया। उसके बाद दूसरा चीज़ है, आपको URL चैनल का URL डाल देना है। यहाँ पर अभी मेरे YouTube का चैनल का URL है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ बीवी के वाइंस के YouTube का चैनल। ये URL को मैंने सिलेक्ट ऑल किया, फिर कॉपी किया, उसके बाद इसे मुझे पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो मेरा वाला हटा देता हूँ और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ, बस अब ओके कर देना है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम नायक टेक्नोलॉजी है, तो आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी चेंज करने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना जीमेल आईडी चेंज कर लीजिए। और यहाँ पर और नीचे आएंगे तो आपको जो मैंने मेनू में बताया था, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, वहाँ के आप URL चेंज कर लीजिए, अपने खुद के फेसबुक आईडी के URL। उसके बाद अगर पेज है कोई तो पेज का URL भी डाल सकते हैं, ट्विटर का, फ्लिकर, जो कुछ भी है, यहाँ पर पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, सबके ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो जो भी आपको आपका अकाउंट है तो वहाँ का URL आप यहाँ पर दे दीजिए, चेंज कर दीजिए मेरे URL से। तो आप जब भी वहाँ पर मेनू में जाएंगे तो आपका URL ओपन होगा, आपका ट्विटर, फेसबुक अकाउंट ओपन होगा। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बैनर ऐड और इंटरेशियल ऐड दिख रहा होगा, तो अगर आपके खुद के एडमोब के ऐड यूनिट हैं तो आप यहां पर बैनर ऐड का ऐड यूनिट चेंज कर लीजिए। इंटरेशियल ऐड इस ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगा,
लेकिन बैनर ऐड देखने को मिलेगा जिसे आप चेंज करके अपना खुद का लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब यानी कि चेंजेस कर लेंगे तो आप एक बार और ठीक से देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यह एडिट हो जाएगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, तो देखिए ये साइन हो रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा साइन होने में। उसके बाद ये साइन हो चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमें अपना जो पहले वाला ऐप है नायक टेक्नोलॉजी, उसे हमको डिलीट करना है। तो आपको जो है वहाँ पर सबसे पहले उस ऐप को डिलीट कर देना है, फिर इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इस ऐप को जो है डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो चुका है, अब हमें वापस APK एडिटर प्रो में जाना है और इसे इंस्टॉल कर देना है। अब देखिए हम जो है आगे और भी सीखेंगे कि इसमें लोगो और स्प्लैश स्क्रीन कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में आप देख सकते हैं मेरा ही लोगो आ रहा है, तो उसे भी चेंज करेंगे हम अभी और लोगो का भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है बीवी की वाइंस का चैनल खुल चुका है, यानी कि हमने जो URL डाला था वो सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के जगह पर बीवी की वाइंस के यूट्यूब चैनल जो है ओपन हो रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि यहाँ का स्प्लैश स्क्रीन और लोगो कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको वापस जो है APK एडिटर प्रो ओपन करना है और आपको सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप और बीवी की वाइंस जो हमने अभी बनाया उसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर सैंपल एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इमेजेस पे जाना है और नीचे की ओर आएंगे तो आपको मिल जाएगा IC लॉन्चर का एक मेरा नायक टेक्नोलॉजी का लोगो, जिसे आपको चेंज कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर एडिट पे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं आप ये। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लोगो लगाना है अपना, वो लोगो लगा दीजिए, अपने स्टोरेज से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्प्लैश आइकॉनिक का PNG। आप देख सकते हैं मेरा लोगो है, तो आप इसे भी चेंज कर लीजिए अपने लोगो से, जो भी आप जो है स्प्लैश स्क्रीन में रखना चाहते हैं। नीचे की ओर जाएंगे तो आपको दो और लोगो मिलेंगे, उसे भी आप चेंज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग हो रहा है। उसके बाद ये भी हमारा ऐप बन के तैयार हो चुका है। इसके पहले हम पहले वाला ऐप फिर से डिलीट करेंगे और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगो आपको जियो का दिख रहा होगा जो मैंने लगाया था। तो आप इस तरीके से लोगो और स्प्लैश आइकॉन का भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए स्प्लैश स्क्रीन में भी यहाँ पर लोगो दूसरा आ चुका है जो मैंने लगाया था। तो यहाँ पर यानी कि हमारा ऐप जो है अब फुली तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना खुद का ऐप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए।